आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पुलिस भर्ती पेपर के निरस्त किए जाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयान की यह छात्रों की जीत है, पर कहा कि गड़बड़ी होने पर परीक्षा को निरस्त किया जाना अभ्यर्थियों के हित में है। हमारी सरकार ने फर्जी नियुक्ति नहीं किया है और ना किसी से पैसा लिया है। प्रियंका गांधी के द्वारा इस मामले में शामिल अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग पर कहा कि बुलडोजर अपराधियों और गुंडों के खिलाफ एक प्रतीक बन चुका है। हमारी सरकार और दूसरों में यही फर्क है कि हम माफिया के द्वारा दूसरी सरकारों में हड़पे गए जमीन पर घर बनवाते हैं। जनपद मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती पेपर के निरस्त किए जाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयान की यह छात्रों की जीत है, पर कहा कि गड़बड़ी होने पर परीक्षा को निरस्त किया जाना अभ्यर्थियों के हित में है। हमारी सरकार ने कभी फर्जी नियुक्ति नहीं किया है और ना किसी से पैसा लिया है। प्रियंका गांधी के द्वारा इस मामले में शामिल अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग पर कहा कि बुलडोजर अपराधियों और गुंडों के खिलाफ एक प्रतीक बन चुका है। नए कार्यालय का उद्घाटन, लोकसभा वार कार्यालय खुल चुके हैं हमारे और उसी की कड़ी में आज मिर्जापुर जनपद में आज यहाँ कार्यालय लोकसभा का कार्यालय खुला है। हम लोगों ने अपने संगठनात्मक रूप से अपनी कोर कमेटियों का गठन कर लिया है, प्रबंधन समितियों का गठन कर लिया है, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभाओं के संयोजक, संगठनात्मक रूप से संगठन ने अपना पूरा होमवर्क चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कर लिया है। उसी कड़ी में एक आवश्यकता थी एक कार्यालय की, पार्टी का निर्देश भी था, तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हो गया। पेपर निरस्त कर लिया गया, क्या एक नाकामी मानते, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं छात्रों की जीत है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं छात्रों की जीत है, सरकार प्राप्त है, क्या निरस्त कर दिया? पुलिस भर्ती की परीक्षा निरस्त हो गई। अरे अगर किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो हमने नियुक्तियां फर्जी तो नहीं किया, हमने किसी से पैसे नहीं लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही कड़े कदम उठाए गए हैं और जिन लोगों ने ऐसी गलतियां किया है जो उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है। तो मुझको लगता है कि आप अगर हम उसी को करा ले जाएं, गलत सही कर लें, तो फिर समाज में उन बच्चों को मुंह दिखाना, तो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ जब भी होगा तो अच्छा होगा और किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं। प्रियंका गांधी बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं जो भी ये पेपर लीक वाले में शामिल है, तो क्या ऐसा होगा? देखिए हमने आपसे कहा कि हम तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलते हैं, उनका अपराध इस योग्य है तो उनके खिलाफ भी चलेगा, और बुलडोजर कोई ऐसी, बुलडोजर ने तो एक अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ एक प्रतीक है कि आप जिन लोगों ने जनता की, गरीबों की जमीनें कब्जा के अपने मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए थे, आज उन्हीं जमीनों पर यह सरकार गरीबों का घर बनाती है, तो फर्क है दूसरों में, तो हमारा बुलडोजर उस माफिया राज के खिलाफ एक प्रतीक है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।